हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल तस्वीर। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस आर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल चारकोल पोर्ट्रेट ऑफ सलमान खान। यस, नन अदर देन सलमान खान। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीवियस ड्राइंग में मैंने शाहरुख खान को बनाया था एंड मैंने वो स्पेशली जवान के लिए बनाया था। सो जो कि थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सो आज मैं मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान का पोर्ट्रेट बनाने वाली हूँ विथ चारकोल। तो ये प्रोसेस काफ़ी इजी, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल ले लिया है। मैंने 6B चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइनिंग कर ली थी पहले से ही, ताकि मैं वीडियो उतना ज़्यादा बड़ा ना रखूँ। तो मैंने पहले से ही आउटलाइनिंग कम्प्लीट कर ली थी एंड अभी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारकोल पेंसिल का यूज़ करके सबसे पहले मैंने आँखों से शुरू किया है। सबसे पहले मैं आँखों को शेड कर लूँगी एंड देन उसके बाद हम धीरे धीरे फेस को कंप्लीट करेंगे। जब भी पोर्ट्रेट हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि हमें आई पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज़ वो एक बेटर पॉइंट रहता है। कुछ लोग होते हैं जो पहले हेयर कर लेते हैं देन उसके बाद फेस पर आते हैं देन बॉडी, बट मुझे लगता है कि आई इज़ अ परफेक्ट, मतलब परफेक्ट थिंग है जिससे हम पोर्ट्रेट को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आँखों को बनाते हैं ना शुरुआत में, तो वो उससे ही अट्रैक्शन बढ़ता है और पोर्ट्रेट बनाने के लिए और भी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट बढ़ती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो एनकरेजमेंट मिलता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। एज़ यूजुअली मैं ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रशेस का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सलमान खान का जो रेफरेंस फ़ोटो लिया है उसमें वो चश्मे वाला है, ग्लासेस वाला लुक है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। सब कुछ एकदम रियल लगेगा, एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एंड आप लोगों ने अगर शाहरुख खान की वो पोर्ट्रेट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। हाउ टू ड्रॉ SRK पोर्ट्रेट विथ चारकोल है, बहुत ही इजी, बहुत ही खूबसूरत एंड जो इंटेंस लुक उसमें मैंने क्रिएट किया है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। एंड जो भी सलमान खान के फैंस हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट में एक बार सलमान खान के लिए, सलमान खान के फ़ैन हैं ऐसा करके लिख दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी नए आए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, शॉर्ट्स भी है बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैं। एंड अभी इंटरेस्टिंग और होने वाला है इस मंथ, बिकॉज और भी न्यू ड्राइंग्स आने वाली है और बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स अपलोड होने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स आएंगी, मैं बताऊँगी नहीं कि किस चीज़ की आएंगी या कैसे आएंगी, किससे आएंगी, बट इतना ही बोल सकती हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। सो बहुत टाइम से ड्राइंग अपलोड नहीं किया मैंने, एक्चुअली काफ़ी बिज़ी चल रहा है मेरा टाइम शेड्यूल, बहुत ही बिज़ी है। तो आई नो आप लोग समझेंगे। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ्रेम को स्केच करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक लग रहा है। हमको जो फ्रेम है उसको डार्क ही करना है, बिकॉज फेस लाइट शेड में जाएगा।
यहाँ पर पूरी तरह से मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई अलग से चारकोल पाउडर परचेज़ नहीं किया है। मेरी पुरानी जो चारकोल पेंसिल थी एक्चुअली वो गिर गई थी, सो वो ब्रेक हो गई थी। आप लोग को तो पता ही होगा, बिकॉज कोई भी पेंसिल है जो कि सॉफ्ट मीडियम में आती है तो वो जैसे ही अगर थोड़ा सा भी हिट होता है या टूट जाता है तो अंदर से वो ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो पेंसिल को वेस्ट की जगह मैंने यूटिलाइज़ किया है। उसको मैंने बहुत ही मेहनत करके उसको मैंने पाउडर में कन्वर्ट किया है एंड देन उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ ईजी वे बिकॉज चारकोल पाउडर्स काफ़ी महंगे आते हैं, सो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दैट आई रियली लाइक टू डू दिस। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फेस को शेड करना स्टार्ट कर दिया है एंड ये प्रोसेस काफ़ी इन्जॉयबल है। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इस पोर्ट्रेट को, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी वे में बनाया है। अभी मैं यहाँ पर जो बियर्ड है, जो मूस्टैच है, वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी एक एक स्ट्रोक से धीरे धीरे। जहाँ पर हमें लाइट इफेक्ट रखना है वहाँ पर हम हल्का हल्का स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे एंड सेम डायरेक्शंस में एज पर जैसे हमको डायरेक्शन चाहिए। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल होने वाला है ये ड्राइंग। तो बने रहिए, म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए, ड्राइंग को देखिए, एंजॉय कीजिए। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ क्या कर रहे हो आप लोग, जाओ यार, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और वैसे भी हमारा तस्वीर यूट्यूब चैनल अभी काफ़ी अच्छे अच्छे ड्राइंग पोस्ट हो रहे हैं इस पर, तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो हम यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे ड्राइंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकें एंड आप लोग इसको देखो। बट आप लोग हैं कि या तो स्किप कर देते हो, या तो देखते नहीं हो, या तो मतलब पता नहीं क्या करते हो, तो प्लीज़ देखा करो यार, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज हमारे इस चैनल को 1 ईयर हो चुका है एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। सो आई नो कि ड्राइंग्स अपलोडिंग उतनी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट आई होप एंड आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से अच्छे पोर्ट्रेट्स, अच्छे से अच्छी ड्राइंग्स अपलोड कर सकूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेयर को पूरी तरह से कर लिया है इन अ रियलिस्टिक वे, कितना रियल शाइनी एंड परफेक्ट लग रहा है। एंड बियर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी। सो अभी हम शर्ट को कर लेंगे। आप इस प्रोसेस को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द म्यूज़िक, एंजॉय द वीडियो। हमारी पोर्ट्रेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बैकग्राउंड को हल्का हल्का डस्टी दिखाने के लिए चारकोल पाउडर का हल्का लेयर लगा दिया है। सो आई होप आप लोग को आज की ड्राइंग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है सो
आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए. सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.